नमस्कार, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं HIV एंड कोविड, मतलब कोविड इन HIV पॉजिटिव पीपल। तो बहुत सारी क्वेरीज हैं कि क्या HIV पेशेंट्स में कोविड का रिस्क ज़्यादा है, क्या कोविड-19 डिफ़िकल्ट होता है जिन लोगों को HIV है, या मुझे HIV है तो मैं कोविड से कैसे प्रिवेंट करूं, या क्या HIV की जो टेस्ट है, एंटीबॉडी है, अगर वैक्सीन लगवाया है कोविड का तो HIV पॉजिटिव हो सकता है। सो ये सारे सवालों के बारे में आज बात करते हैं। तो जैसा कि पहला वो है कि कोविड-19 वर्स इन पीपल लिविंग विद HIV, तो डेफिनेटली जो हमने पिछले 2 सालों में देखा, 2 वेव जो कोविड की गई हैं, डेफिनेटली HIV पॉजिटिव जो पेशेंट्स थे और जिनको कोविड हुआ, तो उसमें काफ़ी कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। परंतु वो कौन लोग थे इसके बारे में बात करेंगे। पर HIV डेफिनेटली एक हाई रिस्क ग्रुप में आता है, परंतु उससे ज़्यादा जो हाई रिस्क कोविड के लिए ग्रुप है वो है ओबिसिटी, डायबिटीज, आस्थमेटिक पेशेंट्स, जिनको COPD है, जिनको हार्ट डिजीज़ है, CAD है, लीवर डिजीज़ है, जिनको पहले से स्ट्रोक हो चुका है, डिमेंशिया हो चुका है, जिनकी किडनी खराब है, या जो जिन लोगों को ट्रांसप्लांट हो चुका है, एंड HIV भी ग्रुप है, परंतु ये सारे लोग HIV के से पहले आते हैं अगर हम कहें हाई रिस्क ग्रुप में। सो HIV में कौन लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो लोग इलाज पर नहीं हैं, जिन लोगों का CD4 काउंट कम है, आप ये समझिए कि अगर 350 सेल्स से कम है तो वो लोग ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जिनका वायरल लोड हाई है, मतलब HIV उनका अभी कंट्रोल नहीं है, और या उनको HIV के और भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन्स हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, साथ में मेनिनजाइटिस है, या फिर एक डिफाइनिंग इलनेसेस हैं। सो जो लोग मतलब ट्रीटमेंट पर नहीं है, या जो लोगों ने जस्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम है, और या उनको और भी कोमोरबिडिटी है, या साथ में HIV और डायबिटीज़ है, डेफिनेटली वो हाई रिस्क में। जितनी ज़्यादा डिजीज बर्डन कोमोरबिडिटी होंगी, उतना ही हाई रिस्क होगा कोविड के लिए। सो अब यह है कि अगर किसी को HIV है तो कोविड से कैसे प्रिवेंट किया जाए। देखिए, प्रिवेंशन की का प्रोसेस सेम है, वो HIV और non-HIV दोनों के लिए है। क्या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क को पहनिए, टाइटली फिटेड मास्क, लूज मास्क नहीं होना चाहिए, स्पेशली इस वेव में, क्योंकि जो इस वेव में प्रिवेलेंट ओमाइक्रॉन या जो भी वेरिएंट हम कहें कोविड का, सिम्टोमेटिक सिम्टम्स माइल्ड हैं बट ट्रांसमिसिबिलिटी वेरी हाई, सो मतलब ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई है। तो अगर घर में कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति है और उसको अभी कोमोरबिडिटी है, और बाहर से अगर कोई इन्फेक्शन लेकर आ गया, तो वो उस व्यक्ति के लिए सीरियस हो सकता है जिनको पहले से कोमोरबिडिटी ज़्यादा है। हो सकता है कि वो जो व्यक्ति लेकर आया है यंग है, उसको इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हो। सो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही आपको बचा सकता है। क्राउडेड प्लेस पर नहीं जाएं, बाहर का खाना नहीं खाएं, हाथ धोएं बार बार, मास्क का उपयोग करें, और सरफेसेस को बार बार साफ करते रहें। सो किसी से मिलना है तो बहुत खुले वातावरण में मिलें, तो यही जो है कर सकते हैं। सो प्रिपेयर्डनेस क्या होनी चाहिए, जो मैं सभी से पिछले 2 साल से मैंने कई बार वीडियो भी बना चुका, अपने सारे पेशेंट्स को ये मैसेज भी कन्वे किया है कि कोविड-19 से बचने की प्रिपेयर्डनेस, सबसे पहले तो उनको अपना दवाई का स्टॉक उनके पास होना चाहिए हमेशा, कम से कम 1 महीने की
जो मेडिसिन है वो एडवांस में होनी चाहिए, मतलब एक शीशी अगर आपकी स्टार्टिंग है तो एक शीशी आपके पास साइलेंटली रखी हुई है। ये हमेशा सभी के लिए मैं हमेशा से बताती हूँ अपने पेशेंट्स को, पर अब कोविड टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी कोविड की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कि आप जो है मेडिसिन लेने नहीं जा पाएँ, या किसी और वजह से लॉकडाउन, अनअवेलेबिलिटी ऑफ कोरियर, या जाने की समस्या, या ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, या कहीं भी फैसिलिटी में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स कोविड बन गए हैं, या आपके डॉक्टर को ही कोविड हो गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। अपने हेल्थ केयर, अपने डॉक्टर के साथ टच में रहें, ऑनलाइन बेटर है कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करें। अभी कोविड ने सबको टेली कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन, व्हाट्सएप कॉल कंसल्टेशन, वीडियो ऑडियो सब कंसल्टेशन सिखा दिया है, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्लू और निमोनिया का वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं लिया है वो फ्लू और निमोनिया का वैक्सीन भी लें एज पर अपने डॉक्टर की सलाह से। कोविड वैक्सीन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिन लोगों का CD4 इम्प्रूव्ड है, जो बहुत सिक नहीं है HIV से, उनको सबको कोविड वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। दो डोज ऑफ कोविड वैक्सीन कंप्लीट करें, और अभी एज ऑफ नाउ अगर बूस्टर की कैटेगरी में आते हैं, 9 मंथ आपको कोविड वैक्सीन के लिए कंप्लीट हो चुके हैं और आपकी उम्र 60 से ऊपर है, तो आपको बूस्टर डोज भी और या प्रिकॉशनरी डोज भी लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी हैं कोविड से बचने के लिए। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि इस बार जो कोविड की वेव है या कोविड है, बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, और इसको हल्के में नहीं लें। सिम्टम्स भले ही माइल्ड हैं, लोगों की जान उतनी नहीं जा रही है जितना कि लास्ट ईयर डेल्टा वेव में गई थी जो, और परंतु ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस व्यक्ति में किस तरह से ये कोविड बिहेव करेगा। मिक्स्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है, डेल्टा वर्सेस डेल्टा प्लस ओमाइक्रॉन, या अगर ओमाइक्रॉन भी है तो किसी में ये बहुत नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है, एक सिंपल फ्लू लाइक सिम्टम्स की तरह से, और किसी किसी में काफ़ी सीरियस इम्प्लिकेशंस भी आ रहे हैं। पर स्पेशली HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के सभी से विनती है, अपना सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग मेडिसिन पर हैं, पहले से कोमोर्बिडिटी है, तो आपके डॉक्टर को ही पता है कि आप कौन सी दवाई आपको लेनी चाहिए कोविड इन्फेक्शन से बचने के लिए, या कोविड इन्फेक्शन में साथ में इलाज के लिए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए, और घर के अंदर रहिए, बिना वजह बाहर नहीं निकलिए, अपनी ART कंटिन्यूसली लेते रहिए, आपकी जो सारी दवाइयाँ हैं जो आपने डॉक्टर से चलाई हैं वो सब लेते रहिए, और रेगुलर फॉलोअप करते रहिए। धन्यवाद। इसी के साथ मेरे YouTube चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड करिए।